जो झाड़ फूक करना है कर लो, जो मंत्र जाप करना है कर लो, लेकिन वो अपना बदला लेकर रहेगी। तुम नागिन के सेवक हो, पर मैं महादेव का सेवक हूं, जिनके आगे सारे नाग नतमस्तक होते हैं। तेरे उस नागिन की महादेव के सामने क्या औकात है? ओ बचाएंगे शिव शक्ति को, उनका ये सेवक बचाएगा शिव शक्ति को। बाबा हर हर महादेव, बाबा ये मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? मेरी मौत की खबर मेरी बहन तक मत पहुंचाइएगा। तो सिर्फ बस भी कीजिए, और कितना सोचेंगे? कैसे ना सोचूं शक्ति, क्या करूं मैं? जब मैं डॉक्टर बना था मैंने कसम खाई थी कि जो भी पेशेंट मेरे पास आएगा मैं उसकी जान बचाऊंगा, उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन वो मैंने कर नहीं पाया। मैंने अपनी कसम तोड़ दी है शक्ति, मैं उसकी जान नहीं बचा पाया। डॉक्टर शिव बस प्लीज देखिए, डॉक्टर भी ना इंसान होता है और इंसान से गलती हो जाती है। अपने जानबूझ के तूने कुछ किया, एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट का मतलब भी होता है जिससे किसी की गलती हो जाए। आप थोड़ी ना जानबूझ के उस मोटरसाइकिल से टकराए, नहीं ना? पता नहीं शक्ति, खुद से क्या कहूं, क्या सच है क्या झूठ है, वो अचानक आया कैसे आया। लेकिन मैं जब तक मोहिनी को सब कुछ सच सच ना बता दूं ना, मैं चैन से नहीं बैठ सकता, मैं गिल्टी फील करता रहूंगा। डॉक्टर शिव प्लीज, अभी नहीं, अभी घर में शादी हो रही है, मोहिनी खुद रिकवर हो रही है, एक बार शादी हो जाए, माहौल बदल जाए, मोहिनी अच्छे से रिकवर कर जाए, उसके बाद हम सबको सब बता देंगे। लेकिन प्लीज तब तक किसी को कुछ मत बताइएगा प्लीज। शक्ति हमें ये भी तो नहीं पता कि मोहिनी एग्जैक्टली है कौन। याद है उसका भाई क्या कह रहा था कि मेरी बहन को गांव वालों से बचा लो। कौन गांव वाले, क्यों उसके पीछे पड़े, हमें कुछ भी नहीं पता है। बुढ़िया को अगर नागिन के बारे में पता है तो नागमणि के बारे में भी जरूर पता होगा। मैंने अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं और वो इस घर में छुपा हुआ है। 25 साल से मेरा उसका इंतजार था, नागमणि। कहाँ हो सकती है,